Hello everyone, welcome to Vidyasthan classes. Today the topic of our discussion is NATO. तो आज हम इस वीडियो में नाटो के बारे में जानेंगे, नाटो सुर्खियों में क्यों बना हुआ है ये भी समझेंगे, रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव में नाटो की क्या भूमिका है इसकी भी पड़ताल करेंगे। तो आइए देखते हैं। नाटो इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बिटवीन 30 नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रीजन मेंबर्स। जैसा कि हम फिगर में भी देख सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक रीजन के सराउंडिंग मेंबर कंट्रियों का ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। एट प्रेजेंट नाटो मेंबर स्टेट कंप्राइजेज 30 कंट्रीज, जो वर्तमान में नाटो के 30 मेंबर कंट्रीज हैं। जो ओरिजिनल या फाउंडिंग जो नेशन थे वो 12 थे। डेट साइन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑन 4 अप्रैल 1949 इन वाशिंगटन डीसी एंड आल्सो पॉपुलरली नोन एज वाशिंगटन ट्रीटी। बाकी के जो ग्रेजुअली इसके मेंबर बनते रहे उसकी लिस्ट ये है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी वॉज क्रिएटेड इन 1949 by the United States, Canada and other Western European nation to provide collective security against the Soviet Union. जो NATO formation का sole motto था वो था to provide collective security against the Soviet Union. NATO constitute a system of collective security where its independent member state agree to mutual defense in response to an attack by any external party. जो NATO charter का article 5 है वो बोलता है कि अगर कोई भी external party किसी भी NATO member पे attack करती है तो ये सभी NATO कंट्रियों पे ही attack माना जाएगा और ये mutually defense करेंगे उस external party के खिलाफ। हाल ही में नॉर्थ मैसेडोनिया नाटो में का मेंबर बना है, जबकि बोस्निया हर्जेगोविना जॉर्जिया और यूक्रेन एस्पायरिंग मेंबर हैं नाटो के, बनने के इच्छुक हैं। जो नाटो का हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, जैसे कि हम फिगर में भी देख सकते हैं इनकी हेडक्वार्टर की तस्वीर को। आर्टिकल 10 ऑफ नाटो चार्टर, नाटो का जो आर्टिकल 10 है वो इसके एक्सपेंशन और मेंबरशिप के रिगार्डिंग में प्रोविजन करता है। जो नाटो है एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है। नाटो पर्पज इज टू गारंटी द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। जो नाटो है उसका मेन पर्पज अपने जो मेंबर कंट्रीज को गारंटी देना है फ्रीडम की और सिक्योरिटी सुरक्षा की, इसका सोल पर्पज यही है। पॉलिटिकल नाटो जो प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज का और ये किसी भी सुरक्षा संबंधित इश्यू को पीसफुली सॉर्ट आउट करने के लिए कार्य करता है। एंड मिलिट्री रिगार्डिंग, नाटो इज कमिटेड टू द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, ये शांतिपूर्ण किसी भी डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट फेल हो जाते हैं तो ये मिलिट्री पावर का भी प्रयोग करते हैं बाद में। और आर्टिकल, जैसा कि हम बोल चुके हैं पहले, आर्टिकल जो 5 है वो कलेक्टिव डिफेंस क्लोज को बताता है। Recently, the conflict between Russia and Ukraine led the NATO and Russian war nexus. हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसने नाटो और रशिया को एक वॉरलाइक सिचुएशन में खड़ा कर दिया है। जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को अपना हिस्सा बना लिया, तब से ही जो रशिया और यूक्रेन के रिलेशन काफ़ी ख़राब होते चले गए हैं। तो सिचुएशन अब ये है, नाटो अपना एक्सपेंशन ईस्टवर्ड चाहता है और यूक्रेन को भी अपना मेंबर बनाना चाहता है, जिससे कि वो रशिया की बाउंड्री तक पहुंच जाए, जो कि रशिया इसको अपने सिक्योरिटी के लिए थ्रेट मानता है और वो यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनने देना चाहता। तो इसी बात को लेकर आपस में इनमें तनातनी चली हुई है। अगर रशिया और यूक्रेन में वॉर हो जाता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वर्ल्ड प्योर इंडिया पर, ये भी हम देखेंगे। अगर रशिया और यूक्रेन में वॉर हो जाता है तो उसके काफ़ी भयावह परिणाम निकलेंगे उससे, कि जैसे कि हम जानते हैं वॉर होगा तो उससे लॉस ऑफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होगी, डिवेस्टेशन होगी, इकोनॉमी पूरी कलप्स हो जाएगी, भुखमरी आ जाएगी। और साथ में जैसे कि हम जानते हैं रशिया यूरोप का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस है, अगर वॉर होगा तो नेचुरल गैस की सप्लाई नहीं हो पाएगी और वहाँ पर प्राइस काफ़ी बढ़ जाएंगे और इकोनॉमी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब देखते हैं अगर वॉर हो जाता तो इंडिया पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़ेंगे। इंडिया के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा अपने रिलेशन मेंटेन करना वेस्ट और रशिया के बीच में, क्योंकि रशिया इज़ द लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर ऑफ इंडिया। जैसे हम जानते हैं रशिया हमारा सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर है
और एक रिलायबल पार्टनर भी हैं। अगर इंडिया वेस्ट का साथ देता है तो रशिया, चाइना और पाकिस्तान काफ़ी क्लोज चला जाएगा, और हमारा जैसे हम जानते हैं डिफेंस इक्विपमेंट का सप्लायर है, तो उधर भी कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और वेस्ट हम इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, और वेस्टर्न कंट्री को इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो उसके बीच में अगर रशिया का सपोर्ट करेगा तो उधर कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री के साथ इंडिया को हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन रशिया एंड यूक्रेन, मेडिकल के लिए इंडिया के काफ़ी ज़्यादा बच्चे उधर यूक्रेन और रशिया में स्टडी करने के लिए जाते हैं, तो उधर भी कहीं ना कहीं उन पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमारा नाटो का टॉपिक इधर ही खत्म होता है, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।